37 वोट्स टोटल वोट्स जो पोल हुए थे 570। सेकंड नंबर पे हैं बिंदु देवी बीजेपी से 96 वोट। थर्ड नंबर पे हैं नाजमा कोसर इंडिपेंडेंट थे, इनके 87 वोट्स हैं। और फोर्थ नंबर पे 50 वोट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रुबीना कोसर के। आई रिपीट, टोटल वोट्स पोल्ड इन वार्ड नंबर 1570। विनर इंडिपेंडेंट नेहा रानी, सेकंड पे बीजेपी की बिंदु देवी, थर्ड पे इंडिपेंडेंट नाजमा कोसर, फोर्थ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की रुबीना कोसर। जितने भी वोट शुरू होने वाला है वार्ड नंबर, तो किन मुद्दों में इलेक्शन लड़ी थी और आगे क्या करने वाली है? मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सब लोगों की सेवा कर सकूं, हमारी वार्ड से जिन जिन लोगों को जो प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व कर सकूं। आप एक महिला हैं और यंग महिला हैं, तो आप महिलाओं के लिए किस तरह काम करेंगी? मैं साइड ही बोला नहीं, बोला नहीं। बीच सर साहब बताएंगे, आओ जी आ जाओ। 12 बजे बहुत बड़ी बड़ी बताएंगे कि जो आज आपके यहाँ पे जीते, इसके अवसर 2005 में चुनाव हुए थे, उस वक्त लोगों ने मुझे जितवाया था। आज 13 साल के बाद चुनाव हुए, 13 साल के बाद मुझे पार्टी ने टिकट दी, बीजेपी से मैं 40 साल बीजेपी में रहा। मोहल्ले के लोगों ने, वार्ड नंबर 11 मोहल्ला पड़ता, मोहल्ला शंकर नगर, मोहल्ला कृष्णाल के लोगों ने, तीन हिस्से पड़ते हैं, उन्होंने ये निर्णय किया कि श्री जी आपने 13 साल हमारी बहुत बड़ी सेवा की है, इसकी बार आपको टिकट नहीं मिली, वार्ड रिजर्व हो गई, आपकी मैडम जो है उनको हम इलेक्शन लड़ाएंगे, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी, हम उनको जिताएंगे। आज मेरे मोहल्ले के हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों ने जितना प्यार दिया, वो प्यार मेरे वोट के रूप में मेरे सामने आया। मैंने 13 साल अपार अपने वार्ड के लोगों की सेवा की, बगैर मजमू मिलत की, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों ने मुझे सर पे ऊपर बैठा के रखते थे। इससे पहले मैं अकेले सेवा करता था, अब हम दोनों अपनी वार्ड के लोगों की सेवा करेंगे, अपने वार्ड के लोगों के दुख और सुख में शाना बिशाना उनके आगे बगैर मजमू मिलत खड़े रहेंगे। ये मेरी जीत नहीं है, ये वार्ड नंबर 11 के मेरे हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों की जीत है, मोहल्ला पंडता वालों की जीत है, मोहल्ला कृष्णाल वालों की जीत है, और खासकर मोहल्ला शंकर नगर वालों की जीत है जिन्होंने मुझे इतना बड़ा वोट दिया। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, और सारी उम्र मैं उनका ऋणी रहूँगा कि उन्होंने पहले मुझ पर भरोसा किया, अब मेरी मैडम के ऊपर भरोसा करके ये इतना बड़ा मैंडेट मुझे दिया। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, मैं और मेरी आने वाली नस्लें इस पूरे वार्ड के जो है ऋणी रहेंगे, और उनकी तय दिल से सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। पहली तो ये मेरी जीत नहीं, ये सारी पुंछ की जीत है। ये आज के जो इलेक्शन है तारीखी इलेक्शन थे, और हम सब ने मिलकर अब हम नुमाइंदे बन चुके हैं लोगों के। हमारी ना कोई पार्टी है, ना हमारा कोई ग्रुप है, ना ही हमारा आपस में कोई अभ्यर्थ, हम सब मिलकर, जैसे इससे पहले भी लोगों ने हमें साथ दिया था, जितना हमसे बन पाया लोगों की बेहतरी के लिए हमने काम किया, हम आइंदा भी उसी तरह से, उसी लगन से, उसी प्यार से, ये जो हमारा खूबसूरत सा शहर है, इसे और खूबसूरत बनाने के लिए जो भी दिखते हमारे भाई। वार्ड नंबर 17 की जनता, वार्ड नंबर 17 को ही नहीं, मैं पूरे पुंछ की जनता को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 17 से जो जीता हूँ, वो सारे जितने भी लोग, जितने भी वोटर नहीं और बल्कि जितने भी पूरे पुंछ के लोग जो हैं मेरी वार्ड पर जो है, मेरे लिए बोल रहे थे कि ये सोशल सेवा था, और मैं जीत गया हूँ, और सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अगर आज के बाद जो भी मेरा जितना भी मैं काम करूँगा और सोशल सेवा करूँगा, और उसके बाद जितने भी लोगों ने मेरे को वोट दिया, मैं इसमें कोई भी दो राय करने वाली बात नहीं है कि जिसमें मैं किसी को मैं नज़रअंदाज करूँ किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है। जितने भी मेरे वार्ड में लोग हैं, सब लोगों ने मेरे को वोट दिया है। Thank you.
तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जीत मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि मैं यूपी से हूँ, यूपी से मेरी यहाँ शादी हुई है पुंछ में, और लोगों ने मुझे खड़ा किया है, मुझे जिताया भी है। मैं इन लोगों की खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है, तो मैं इन लोगों की खिदमत करूँगी हर टाइम जो इन्हें मेरी ज़रूरत है। जिसलिए इन्होंने जिस उम्मीदों से इन्होंने मुझे खड़ा किया है, जो उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं इनकी, मैं उन उम्मीदों पर खड़ा हूँ। यूपी कहाँ से आप? मैं यूपी मेरठ से। आप मेरठ से बड़े शहर से और पुंछ से आप जीती हैं, और यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ी थी? मैं यहाँ के डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर लड़ी थी, जो मुझे लगता है कि हर फील्ड में जो डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। खाली यही नहीं कि नाली गली इसी का मुद्दा है, नहीं, इससे और भी अलग हट के मुद्दे हैं जिनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है, उसमें डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बस सर्टिफिकेट सर रखे 58 यहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे टोटल 17 वार्ड्स में, और उसमें हमारे जो रिजल्ट रहा है उसमें 4 वार्ड्स में बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, 2 वार्ड्स में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, और 11 वार्ड से इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने जो है जीत हासिल की है। सो बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ पे आज जो है इलेक्शन हुआ, और वार्ड वाइज डिटेल जो है हमारी जो पुंछ म्यूनसिपैलिटी की है उसमें हमारे वार्ड नंबर्स हैं, और इसमें जो हमारी जो 4 वार्ड्स थे वहाँ पर इंडिपेंडेंट वहाँ पर जो है कैंडिडेट जो है वो अनकंटेस्टेड ऑलरेडी जीत चुके थे, तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 9 वार्ड्स के लिए इलेक्शन हुए, और इसमें से जो टोटल 13 वार्ड्स हैं उसमें से INC 1 वार्ड में जीती और 12 वार्ड में इंडिपेंडेंट जीते, टोटल जो है 13 वार्ड का रिजल्ट रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दोनों ही म्यूनसिपैलिटी के जो भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो जो है अपना वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने एरिए की जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है रेज करेंगे, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है डिफरेंट वार्ड्स के वो आपस में मिलजुल कर पूरे इलाके की पूरे एरिए की तरक्की के लिए काम कर पाएँ।